के अपने ही चैनल में कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी होस्ट प्यारी दोस्त ऋचा शर्मा। फ्रेंड, आजकल की जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि एक काम खत्म नहीं होता दूसरा हो जाता है। खासतौर से हाउसवाइफ के लिए उनके पास भी बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो मतलब कि ये कि आजकल की सारी ज्यादातर लेडीज जॉब भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं। मतलब बहुत सारे काम होते हैं, घर का क्लीनिंग है, कुकिंग है और अपने भी बहुत सारे कार्य होते हैं। कब फटेगा, आप इसे एक बार आजमाइए और इसको आजमाने के बाद अगर आपको लगता है, अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, दैनिक जीवन में हमें एक अनेक समस्या का सामना करना पड़ता है, उसमें से एक प्रमुख है जब हम लोग सुई में धागा पिरोते हैं ना, क्योंकि एज बढ़ने के बाद हम लोगों आँखों की परेशानी शुरू हो जाती है, बहुत मुश्किल पड़ता है। आप सिलाई नहीं भी करते हैं तो भी घर के रिपेयर वर्क के लिए सुई में धागा पिरोना ज़रूरी होता है, तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन देखिए, मैं लाई हूँ एक बहुत आसान सा उपाय। ये मैंने नेल पॉलिश ली है और इसको मैं इसकी जो धागा है हमारा उसकी नुक पे बस थोड़ा सा लगाऊंगी। बस थोड़ा सी प्रतीक्षा कीजिए, बहुत मामूली टाइम तक आप जानते हैं नेल पॉलिश फटाफट सूख जाती है। एक दो फूंक मारिए और देखिए आपका जो काम में घंटों लग रहे थे, टाइम कंज्यूम टाइम था, कितनी आसानी से आप धागा पिरो सकते हैं। अब ना आपको जो वक्त लगा, ना आपको आंखों में कोई टेंशन हुई, ये देखिए फट सीना धागा पिर गया। तो इस तरह आप आसानी से बस जरा सी चाहे नेल पॉलिश लगा लीजिए, चाहे फेविकॉल लगा लीजिए। बस ये कि नेल पॉलिश तो घर में आसानी से अवेलेबल होती है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। फ्रेंड, इसके अलावा आजकल जैसे रेनी सीजन है तो फिर हम लोगों के सामने एक समस्या और आती है कि माचिस सील जाती है। हालांकि लाइटर होता है, फिर भी माचिस की ज़रूरत तो पड़ती ही है पूजा करने के लिए, या अन्य कभी लाइटर नहीं काम होता है तो बहुत दिक्कत होती है। तीलियों पर तीलियाँ बर्बाद होती जाती हैं लेकिन माचिस नहीं। तो मैं एक बहुत सरल सा उपाय लेकर आई हूँ। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रेस हल्की सी गर्म करनी है और इसको आप इसे बिल्कुल एक मिनट के लिए रखेंगे। आप देखेंगे कि आपकी माचिस का जो सीलापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और बस अब देखिए, ये देखा आपने, चमत्कार हो गया ना। तो बस अब माचिस की सीलने की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। फ्रेंड्स, मेरा तीसरा टिप है चकला बेलन को लेके। हम सब लोग खाना बनाने के बाद चकला बेलन धोकर साइड में ऐसे रख देते हैं, पर आप जानते हैं जब बाद में किचन में रात में छिपकली हैं, काकरोच हैं, झिंगूर हैं, ये सब भ्रमण करते रहते हैं और निश्चित रूप से ये इनके ऊपर भी जाते होंगे। बर्तन तो अपन लोग उल्टा रखते हैं और फिर यूज़ करते समय धो भी लेते हैं, तो इसके लिए देखिए मैंने क्या छोटी सी ट्रिक अपनाई है बिना एक भी पैसा खर्च किए। ये इमेजिनेशन रोड का डिब्बा है, इसके ऊपर ये रैपिंग पेपर घर में होते ही है क्योंकि बर्थडे वगैरह के लिए लाना पड़ते हैं। बस इसको मैंने लिया है और इसको पूरी तरह से कवर अप कर लिया है। आप अपने मनपसंद किसी भी तरह का ले सकते हैं। मेरे पास तो जो कल पड़ा था वही मैंने इस तरह कर दिया है। अब इसको देखिए खूब अच्छी तरीके से आप टेप से चिपका दीजिए, ट्रांसपेरेंट टेप आता है, या फिर आप फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं कोई भी चीज़। इसका ढक्कन पे भी थोड़ा सा लगा दिया है हमने। अब देख रहे हैं कितना सुंदर सा डिब्बा तैयार हो गया है बेलन रखने के लिए। अब बस मैंने देखिए इसके अंदर बेलन रखा और इसको बंद कर दिया। अब आप देख रहे हैं इसकी कि कितना सुरक्षित है छिपकली से, काकरोच से बिल्कुल ही, और देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है। अगर हम इसे रैप नहीं करेंगे तो देखने में थोड़ा सा भद्दा सा लगता। और ये देखिए मेरी पाइपलाइन वाली गैस जो है उसके बराबर में ये खड़ा हुआ है। और चकली के लिए भी फ्रेंड, ये देखिए स्टील की एक थाली लेती हूँ मैं रात में और इसको ऐसे कवर अप कर देती हूँ। बताइए फ्रेंड्स, आपको ये टिप्स कैसे लगे हैं।